हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए। तो आज हम करने वाले हैं CDP के कौन सा पार्ट करने वाले हैं? आज हम CDP का 8th पार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चन जो हैं आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से ही लिए गए हैं और काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस जो हैं नए ऐड किए गए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है जिनकी, ठीक है। तो आज CDP का कौन सा पार्ट करेंगे कवर? तो आज 8th पार्ट कवर करेंगे। इसके पहले की वीडियोज़ यदि आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है, ठीक है, प्लेलिस्ट की। तो आप वहाँ पर से जा कर के सारी की सारी वीडियोस को देख सकते हैं। उसमें भी काफ़ी सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं कराए गए हैं। तो यदि आप सभी प्रैक्टिस अभी से करते रहेंगे तो आपका डेफिनेटली है कि आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा, ठीक है। CDP का जो भाग है आपका आधे से अधिक जो है इन्हीं क्वेश्चंस में ही कवर हो जाएगा, क्योंकि आप थ्योरी तो पढ़ लेते हैं लेकिन वहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो थ्योरी से ठीक है, आपने थ्योरी पढ़ लिया, लेकिन यदि प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो फिर ना बनता बनता हुआ चीज़ भी नहीं बनता है, ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिस रहना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कहते हैं कि MCQs वगैरह को देखना बहुत ज़रूरी रहता है, ठीक है। तो अब चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है बुद्धि लब्धि गणना का सही सूत्र है। तो बुद्धि लब्धि गणना का जो सही सूत्र है वह आपसे पूछा गया है। तो मुझे तो लगता है कि काफ़ी लोगों को ये बातें पता भी होंगी क्योंकि आपने BEd वगैरह में जो है इस सूत्र को काफ़ी ज़्यादा पढ़ा भी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका? IQ का फार्मूला हो जाएगा, देखिएगा, IQ का फार्मूला हो जाएगा आपका MA अपॉन CA मल्टीप्लाई 100, अर्थात मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, ठीक है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100, ये आपको कर देना है, ठीक है। IQ का सूत्र आपका यही होता है, ठीक है। तो मेंटल एज अपॉन करके, मेंटल एज अपॉन करके वास्तविक आयु जो आपकी करंट आयु है वो लिखेंगे और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, ठीक है। यदि किसी बच्चे का जो बुद्धि लब्धि अगर मापना है, उसका IQ टेस्ट करना है, तो इस फार्मूले में आप जो है वैल्यू को पुट करके आसानी से जो है उसका IQ टेस्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर आपका क्लियर होता है यहाँ पर। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन दिया गया है श्रृंखलन संप्रत्यय आधारित है। तो श्रृंखलन संप्रत्यय किस पर आधारित है यह आपसे पूछ लिया गया है। यह आप में से काफ़ी लोगों के लिए यह नया क्वेश्चन है। मुझे पता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि ये जो है ये आपको नया क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन हो सकता है कि आने वाले एग्ज़ाम में आपसे ये पूछ लिया जाए। मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंट लगा इसलिए मैंने इसे रख लिया, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत आपने सुना होगा, ठीक है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, इसका भी नाम सुना होगा, ठीक है। और सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, यह भी आपने सुना होगा। और प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, यह भी आपने सुना होगा, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर जानना ये ज़रूरी है कि यह किस पर आधारित है। श्रृंखलन संप्रत्यय जो है यह किस पर आधारित है, किस सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, यानी कि यह किस सिद्धांत पर आधारित है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत पर यह आधारित है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। यह भी काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत आपसे पूछ लिया गया है। तो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, मैकलेलैंड ने, या फिर मास्लो ने, या फिर कुर्टलेविन ने, या फिर हर्ज़बर्ग ने। तो ये क्वेश्चन तो खैर पूछा जाता है, काफ़ी लोगों को पता भी होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को बता देना चाहती हूँ कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मतलब मैकलेलैंड ने, ठीक है। मैकलेलैंड ने जो है उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया था,
यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम अक्षमता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अधिगम अक्षमता तो सभी को पता होगा, लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक है। कैनर ने किया था, या फिर डाउन ने किया था, या फिर सैमुअल किर्क ने किया था, या फिर सिगमंड फ्रायड ने किया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था सैमुअल किर्क ने। किसने किया था? सैमुअल किर्क ने। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसके द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया है? बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? थॉर्नडाइक के द्वारा, गिलफोर्ड जी के द्वारा, स्फीयरमैन के द्वारा, या फिर थर्स्टन के द्वारा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गिलफोर्ड जी के द्वारा जो है आपका गिलफोर्ड जी के द्वारा जो है बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गिलफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पुनर्बलन की अनुसूची नहीं है? चर अनुपात, अभिप्रेरणा, स्थिर अंतराल, या फिर स्थिर अनुपात। तो पुनर्बलन की अनुसूची में कौन सा जो है शामिल नहीं किया गया है? तो अभिप्रेरणा को जो है शामिल नहीं किया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अग्रलिखित में से कौन सा एक जो है सकारात्मक पुनर्बलन के रूप में प्रयोग नहीं हो सकता है? तो सकारात्मक पुनर्बलन के रूप में किसे प्रयोग में नहीं ले सकते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, टॉफी को, बिस्कुट को, या फिर कड़वी दवा को, या फिर पैसे को। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कड़वी दवा को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, डिसकैल्कुलिया जो है एक प्रकार का क्या है? डिसकैल्कुलिया के बारे में पूछा गया है, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है सभी टेट एग्ज़ाम में। चलन अक्षमता है, मानसिक रुग्णता है, मानसिक मंदता है, या फिर अधिगम अक्षमता है? तो डिसकैल्कुलिया क्या है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिगम अक्षमता है। ठीक है, अधिगम अक्षमता का एक प्रकार है यह डिसकैल्कुलिया, जो कि गणित से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला के खोजकर्ता या प्रतिपादक थे? विलियम बुंट, एल्डर, एल्फ्रेंड, या फिर सिरिल बर्ट, या फिर जीन पियाजे। तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला के खोजकर्ता या प्रतिपादक कौन थे? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम बुंट। कौन थे? विलियम बुंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भय संवेग किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है? पलायन से, निवृत्ति से, लड़ाई से, या फिर जिज्ञासा से? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भय वाला जो संवेग है यह पलायन से जो है जुड़ा हुआ है। ठीक है, यदि मान लो बच्चा जो है स्कूल जाता है, ठीक है, यदि उसे मारपीट दिया जाए तो उसके अंदर एक डर उत्पन्न हो जाता है और वो क्या करता है, कक्षा में बैठता नहीं है, उससे लगता है कि टीचर मुझे फिर मारेंगे, मुझसे कोई गलती हो जाएगी या फिर मैं बोलूँगा नहीं तो मुझे मार देंगे। तो वो क्या करता है, स्कूल से भागने की कोशिश करने लगता है डर के कारण। तो वही दिया गया है, भय संवेग का जो मूल प्रवृत्ति, भय संवेग जो है किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है? तो पलायन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था नहीं है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, गुप्त अवस्था, या फिर संवेदात्मक अवस्था, या फिर संवेदी गामक अवस्था। ठीक है, इसे संवेदी गामक अवस्था भी कहेंगे।
तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था नहीं है, तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है आपका राइट हो जाएगा, गुप्तावस्था। ठीक है, ऐसी कोई अवस्था नहीं होती है। इसके अलावा जो आपके मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है और संवेदी गामक अवस्था है। ठीक है, तो ये तीन जो हैं आपके पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं, लेकिन यहाँ पर जो है गुप्तावस्था जो है नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार दंड से बचने हेतु नैतिकता का विकास किस स्तर के अंतर्गत आता है? नैतिकता का विकास पूछा गया है कि दंड से बचने के हेतु। तो क्वेश्चन दिया गया है, कोहलबर्ग के अनुसार दंड से बचने हेतु नैतिकता का विकास किस स्तर के अंतर्गत आता है? पूर्व रूढ़िवादी अवस्था के अंतर्गत, रूढ़िवादी अवस्था के अंतर्गत, या फिर दो ऑप्शन और देख लेंगे। चलिए, यहाँ पे एक साथ ही क्वेश्चन हमें मिल गया है, तो पूर्व रूढ़िवादी अवस्था या फिर रूढ़िवादी अवस्था, उत्तर रूढ़िवादी अवस्था या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व रूढ़िवादी अवस्था। ठीक है, दंड से बचने के लिए जो है नैतिकता का विकास किस स्तर के अंतर्गत आता है, तो यह आता है पूर्व रूढ़िवादी अवस्था के अंतर्गत। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक बालक का उसकी माता के प्रति आकर्षण को फ्रायड ने क्या कहा है? इलेक्ट्रा ग्रंथि या फिर ओडिपस ग्रंथि या फिर नैतिक द्वंद्व या फिर मौखिक ग्रंथि। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बालक का माता के प्रति जो आकर्षण है वह ओडिपस ग्लैंड के कारण जो है पाया जाता है, ऐसा जो है फ्रायड जी ने बताया है। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, जिन्होंने भी पेपर दिया है उन्हें तो पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और सभी बहुत सारे टेट के एग्ज़ाम में, सभी राज्यों में जो टेट के एग्ज़ाम होते हैं ना, उनमें भी CDP का जो क्वेश्चन आता है उसमें भी ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। ठीक है, अलग अलग स्टेट्स में भी पूछे गए हैं। आगे देखते हैं, सिगमंड फ्रायड जानते थे क्या है, अधूरत। हाँ, क्वेश्चन दिया गया है, सिगमंड फ्रायड जाने जाते हैं तो किस लिए जाने जाते हैं? सामाजिक विकास सिद्धांत के लिए या फिर मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत के लिए या फिर संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के लिए और या फिर लास्ट वाला भी देख लेते हैं, नैतिक विकास के सिद्धांत के लिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, सिगमंड फ्रायड जाने जाते हैं मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत के लिए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी नया है, क्वेश्चन दिया गया है, ब्रॉन फेन ब्रेनर के जैव पारिस्थितिकी सिद्धांत के अनुसार नियम और कानून के उदाहरण है, किसके उदाहरण है ये? सूक्ष्म तंत्र के या फिर मेसो तंत्र के या फिर बृहत तंत्र के या फिर समय तंत्र के। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये उदाहरण है आपके बृहत तंत्र के। ठीक है, बृहत तंत्र के, इनके अनुसार, ब्रॉन फेन ब्रेनर के अनुसार जो है जैव पारिस्थितिकी सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, नियम और जो कानून है वह किसके तंत्र हैं, तो वृहद तंत्र के। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है विकास के संदर्भ में सही नहीं है? यह एक सतत प्रक्रिया है, यह एक आयामी होता है या फिर इसकी संचयी प्रवृत्ति होती है या फिर इसमें जो है वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है। तो यहाँ पर नेगेटिव में पूछा गया है कि कौन सा जो है सही नहीं है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, विकास जो है यह एक आयामी नहीं होता है, विकास जो है यह बहुआयामी होता है। कैसा होता है? बहुआयामी होता है, यह सभी आयामों में पाया जाता है। ठीक है, और विकास जो है एक सतत प्रक्रिया है, सतत और निरंतर प्रक्रिया है। ठीक है, गर्भावस्था से लेकर के पूरा मृत्यु तक यह चलते रहती है, निरंतर लगातार। ठीक है, एक क्रम से चलती रहती है
और इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, तो संचयी प्रवृत्ति होती है और वैयक्तिक भिन्नता भी इसमें पाई जाती है। ठीक है, सभी में जो है अलग अलग भिन्नताओं में जो है विकास देखने के लिए मिलता है। ठीक है, सभी मतलब पर्यावरण के अनुसार। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी दृष्टिबाधित बालकों के लिए शिक्षण हेतु प्रयोग की जाती है, PECS या फिर संकेतिक या फिर टेलर फ्रेम या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दृष्टिबाधित बालक के शिक्षण के लिए कौन सी तकनीकी जो है प्रयोग की जाती है आपको यह बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टेलर फ्रेम, जो कि आपकी काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसे याद रखना ज़रूरी है। क्या हो जाएगा, टेलर फ्रेम। काफ़ी लोगों के लिए यह क्वेश्चन जो है नया होगा और कुछ लोगों को तो बनता होगा। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे जिनके लिए भी नया है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन जो है आपके टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अध्ययन मनोविज्ञान एवं बाल विकास के प्रतिच्छेदन बिंदु पर आधारित है, सामाजिक मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, संगठनात्मक मनोविज्ञान या फिर विकासात्मक मनोविज्ञान। तो यहाँ पर दिया है किसका अध्ययन जो है मनोविज्ञान एवं बाल विकास के प्रतिच्छेदन बिंदु पर आधारित है, तो यह आधारित है विकासात्मक मनोविज्ञान का। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पियाजे ने दिया है, वाइगोत्स्की ने दिया है, फ्रायड ने दिया है या फिर बंडूरा ने दिया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नैतिक विकास का सिद्धांत आपके पियाजे जी ने दिया है, जीन पियाजे जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षणात्मक अधिगम का तत्व है, निरीक्षणात्मक अधिगम का तत्व पूछा गया है, बुद्धिमत्ता है, संग्रहण है, अनुबंधन है या फिर व्यक्तित्व है। तो यहाँ पर नाम से ही स्पष्ट हो रहा है आप सभी का, तो और आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, संग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बालक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया है, बैलक के द्वारा, थर्स्टन के द्वारा, थांडाइक के द्वारा या फिर आलपोर्ट के द्वारा। तो यहाँ पर बालक अंतर्बोध परीक्षण के बारे में पूछा गया है कि किसने विकसित किया है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैलक। ठीक है, बैलक के द्वारा जो है विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तृतीयक चक्रीय प्रतिक्रियाएं विकसित होती हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, संवेदात्मक गामक, संवेदी गामक अवस्था के दौरान, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के दौरान, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के दौरान। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संवेदी गामक अवस्था के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है, एक बच्चा कहता है कि चांद हंस रहा है, यह निम्नलिखित में से किसकी विशेषता को इंगित करता है, आत्मकेंद्रण या फिर एनिमिस्मा या फिर सकारात्मकता या फिर नकारात्मकता। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा एनिमिज्म। ठीक है, एनिमिज्म जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है, निकटता के सिद्धांत की संकल्पना किसके द्वारा दी गई है, थॉर्नडाइक के द्वारा, पावलोव के द्वारा, स्किनर के द्वारा या फिर वर्दीमर के द्वारा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्दीमर के द्वारा, निकटता के सिद्धांत की संकल्पना दी गई है वर्दीमर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है, बोबो डॉल पर किया गया अनुसंधान अधिगम के किस सैद्धांतिक दृष्टिकोण की पुष्टि करता है, अंतर्दृष्टि अधिगम, गुप्त अधिगम, स्थान अधिगम या फिर सामाजिक अधिगम। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक अधिगम। ठीक है, तो इसे भी याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन दिया गया है, उत्क्रमणीय योग्यता विकसित होने की अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फिर संवेदी गामक अवस्था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, उत्क्रमणीय योग्यता को विकसित करने की अवस्था कौन सी है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया है 90 से 110 बुद्धि लब्धि प्रसार बुद्धि की किस श्रेणी को दर्शाता है, तो किस श्रेणी को दर्शाता है, प्रखर बुद्धि को दर्शाएगा, औसत बुद्धि को दर्शाएगा या फिर अल्प बुद्धि को या फिर मूर्ख बुद्धि को। तो 9 से 110 के बीच की जो बुद्धि लब्धि होती है यह दर्शाता है आपके औसत बुद्धि को। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औसत बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया है क्रिया प्रसूत अनुकूलन के अनुसार कौन सा कथन जो है सही है, नकारात्मक पुनर्बलन वांछनीय व्यवहार बढ़ाता है या फिर एक बार सीखा गया व्यवहार कभी भूला नहीं जा सकता या फिर दंड एक सकारात्मक पुनर्बलन है या फिर नकारात्मक पुनर्बलन अवांछनीय व्यवहार को बढ़ाता है। तो क्रिया प्रसूत अनुकूलन के अनुसार जो है कौन सा कथन पूछा गया है कि सही है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नकारात्मक पुनर्बलन जो है वांछनीय व्यवहार को बढ़ाता है। ठीक है, नकारात्मक पुनर्बलन क्या करता है, वांछनीय व्यवहार को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, व्यवहारवादी के द्वारा, गेस्टाल्टवादी के द्वारा, संरचनावादी के द्वारा या फिर प्रकार्यवादी के द्वारा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेस्टाल्टवादी के द्वारा जो है आपका अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, काल्पनिक दर्शक या श्रोता किस अवस्था से संबंधित है, पूर्व बाल्यावस्था से या फिर उत्तर बाल्यावस्था से या फिर वयस्क अवस्था से या फिर किशोरावस्था से। तो काल्पनिक दर्शक और श्रोता किस अवस्था से संबंधित है यह पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किशोरावस्था से। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी कंफ्यूज करने वाला है क्वेश्चन, तो इसे भी याद रखेंगे। तो ये था आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, आशा करते हैं कि आप सभी को ये सभी क्वेश्चंस जो हैं पसंद आए होंगे, अच्छे लगे होंगे, और यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।